जी हिंद दोस्तों, मैं शाहिद खान आपका अपने YouTube चैनल इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं भारत भवन में विजिट करने आया हूं, जो कि भोपाल में शामला हिल्स की पहाड़ी पर स्थित है, जहां पे सांस्कृतिक कलाकृति और भी बहुत सी शास्त्रीय संगीत और चीज़ों का मिश्रण, यहां पे सभी चीज़ें अवेलेबल हैं, गैलरीज हैं यहाँ पर। दोस्तों जब हम भारत भवन में स्टार्ट होते हैं तो इस जगह से ये मेन गेट है और ये मेरे जस्ट पीछे जो आपको दिख रहा है, यहाँ से हमें टिकट लेना पड़ता है। यहाँ के टिकट जो है वो 5 साल से कम एज के बच्चों का नहीं लगता है, ये 5 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है उसका 10 रुपये टिकट लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत भवन का जो टाइमिंग है वो दोपहर 2 बजे से तो रात के 8 बजे तक का है। सोमवार को यहाँ पर अवकाश रहता है, जिस दिन यहाँ पर बंद रहता है। चलिए मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आगे यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ये पूरा ग्राउंड है भारत भवन का। इसमें सभी विवरण लिखा हुआ है, जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं यहाँ पे। भारत भवन भोपाल का स्टेज कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े कलाकार अपना रंगमंच में प्रोग्राम देने आते रहते हैं। यहाँ से ये सीढ़ियाँ दोस्तों नीचे उतरती हैं और नीचे जो है भारत भवन का, ये देखिए आप यहाँ से जाएंगे वो पूरा इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो भारत भवन है उसका जो वास्तुशास्त्र है वो एक मशहूर वास्तुशास्त्री चार्ल्स कोरिया ने करा था। और ये जो है फिर बताना चाहूँगा याद दिलाने के लिए, 13 फरवरी 1982 को इसका उद्घाटन हुआ था और इसका जो निर्माण स्टार्ट हुआ था वो सन 1980 से हुआ था। चलिए अपन आगे चलते हैं। इन सीढ़ियों के द्वारा हम नीचे जाते हैं भारत भवन के अंदर। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया स्पेस अवेलेबल है। ये गैलरी स्टार्ट हो गई है, अभी हम गैलरी के अंदर जाएंगे। ये बाहर का दृश्य है। प्रकृति से जुड़ने के लिए यहाँ पे हरियाली का भी प्रबंध अच्छे से किया गया है। ये कलाकृति यहाँ पे बनी हुई है। दोस्तों क्योंकि यहाँ पे गैलरीज के अंदर फोटोग्राफी मना है, इसलिए मैंने अंदर गैलरी में जो भी वीडियो शूटिंग नहीं करी है और ना ही कुछ बता पाया हूँ, लेकिन मैं आपको जो आउटडोर जो गैलरीज है उसका आपको पूरा दृश्य दिखाऊंगा। चलिए मेरे साथ, यहाँ से अपन बाहर चलते हैं ऊपर की तरफ, वहाँ पे भी और भी गैलरीज हैं। ये दृश्य काफ़ी अच्छा है, देखिए आप। ये देखिए पूरी डिटेल लिखी गई है भारत भवन की। चार्ल्स कोरिया जी के द्वारा 1982 में फरवरी 1982 में बनाया गया था। अधीक्षक एनपी सिंह मुथन्ना पीसी जैन जी थे। यहाँ से अब ऊपर चढ़ेंगे हम ऊपर की गैलरीज में जाने की।
ये हम ऊपर आ चुके हैं। ऊपर के नज़ारे इस तरह से हैं। दोस्तों भारत भवन में सबसे खूबसूरत जगह जो है वो है उसका टेरेस। उसके टेरेस से बड़ा तालाब काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है और मैं अभी उसके टेरेस पे ही आया हूँ। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। जो व्यू है वो मैं आपको अभी कवर करता हूँ बैक कैमरे से। देखिए ये टेरेस है। अगर कभी यहाँ पर कुछ भी प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ सामने प्रोग्राम होते हैं और ये जो सीढ़ी हैं इन पर दर्शक बैठते हैं और ये सामने ही बड़ा तालाब दिख रहा है। चलिए और करीब चल के मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी हम बीच में आ चुके हैं और ये वो सीढ़ियाँ जहाँ पे बैठते हैं दर्शक। और ये सामने बड़ा तालाब है। ये व्यू जो है काफ़ी खूबसूरत है। पूरा बड़ा तालाब यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखिए आप भोपाल की बेहतरीन लोकेशन व्यूज़ में से ये एक मानी जाती हैं। ये पूरा स्पेस है यहाँ का भारत भवन का। दोस्तों गैलरी के अंदर मैं इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बनाई थी वीडियो शूटिंग की गैलरीज के अंदर, जिसमें जगह जगह के लोगों के द्वारा बनाई गई कलाकृति है कैनवास पे चिन्हित हैं और वही यहाँ पे लगाई गई हैं। ये पत्थरों को इस तरह से रखा गया है जैसे सांची के स्तूप की आकृति है। दोस्तों भारत भवन में कुछ कलाकृतियों को आउटडोर में भी रखा गया है। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से बताता हूँ। देखिए इस तरह से पत्थरों को तराश के कुछ कलाकृति बनाई गई है। जैसे ये है कि सामने एक सूफी आदमी की कलाकृति है। ये एक नाव की आकृति दी गई है। ये देखिए आप चिड़िया का घोंसला। ये एक महिला का फेस था। कला करती हैं आपको ये भारत भवन में देखने को मिल जाएगी। ये एक आदमी का स्टैचू। पेड़ के नीचे भी कुछ कलाकृति लगी हुई है। मैंने सोचा आपको ये भी दिखा दूं। देखिए एक योद्धा की मूर्ति उकेरी गई है।
जो कि घोड़े पे भी बैठा हुआ है और तलवार और बंदूक उसके हाथ में है, घुड़सवार है। कुछ यहाँ पे भी बनी हुई है। ये देखिए एक चिमनी नुमा किचन है या क्या है, ये बनाए गए कैसी इमारत है जिसमें चिमनी लगी है। ये पूरा भारत भवन में ही घूम रहा हूँ मैं, वो पास में ये बड़ा तालाब भी दिख रहा है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। दोस्तों ये अब भारत भवन की दूसरी वाली गैलरी की छत पे आ गया हूँ मैं, और ये देखिए मेरे पीछे ये पहचाने भारत भवन कभी भी कहीं बताया जाता है तो ये गुंबद जो है ये जरूर दिखाया जाता है। ये पूरे भारत भवन का नज़ारा आपको दिख रहा है। दोस्तों मैंने लगभग भारत भवन में सभी जगह पे घुमा दिया है, क्योंकि गैलरी में अलाउ नहीं है गैलरीज को दिखाना, इसलिए मैं गैलरी का आपको विज़िट नहीं करवा पाया हूँ। बाकी जो बाहर जो गैलरीज हैं या बाहर जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया है, और मेरा ब्लॉग इसी के साथ यहीं पर ख़त्म होता है। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए इंडियन ब्लॉग्स। जय हिंद, जय भारत।